हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट लेकर आया हूं, इसका नाम है बिजनेस स्टैटिक्स एंड एनालिटिक्स। लेकिन ये सब्जेक्ट बच्चों बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये जो हम सब्जेक्ट लेकर आए हैं ये एमबीए, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें ये आप पढ़ेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बीटेक के स्टूडेंट्स जो हमारी चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमबीए के स्टूडेंट्स, बीबीए के स्टूडेंट्स या बीकॉम ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें आप ये चैनल या हमारा जो ये वीडियो है ये ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। अगर मैं बात करूँ इस सब्जेक्ट की, जो बिजनेस स्टैटिक्स है हमारा, इसे शॉर्ट में स्टूडेंट स्टैट भी कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये फुल्ली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है आपका, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। मैं आप जब आपको पढ़ाऊंगा तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। देखिए, जो एमबीए करते हैं स्टूडेंट्स या बीबीए करते हैं, तो उनमें बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं होते, उन स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस सब्जेक्ट में। तो अब बच्चा भूल जाओ, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप जॉब भी करते हैं, कुछ स्टूडेंट जॉब भी करते हैं साथ में, भाई इवनिंग में जॉब कर ली, दिन में अपना जो है क्लास चले गए, उनके लिए भी ये बेस्ट है। आपको अगर मैं बता दूं, देखिए, अगर आप स्टेट कहीं पढ़ने जाएंगे, किसी भी टीचर से स्टेट पढ़ेंगे, तो वो 2 से 3 हज़ार रुपये आपसे पूरी बुक के ले लेगा। और यहाँ हम आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट क्या, वीडियो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेंगी, ठीक है नहीं? तो इसमें जो हम आपका जो आज का टारगेट रहेगा बच्चों, वो रहेगा प्लानिंग और सिलेबस। हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, देखो किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है नहीं? तो पहले मैं आपको प्लानिंग बताऊंगा कि किस किस तरह से हम सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, उसके बाद मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा बच्चों, जो हमने सिलेबस लिया है वो अकॉर्डिंग टू द एमबीए लिया है, ठीक है नहीं? तो जो बीबीए के स्टूडेंट्स हैं और बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो सिलेबस होगा लगभग यही रहेगा। लेकिन अगर आपका सिलेबस कुछ डिफरेंट है इससे, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बता सकते हैं, हम वो वाला टॉपिक भी कवर कराएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूं केवल यही कवर होगा, आपकी जैसी डिमांड होगी, जैसा आप कहेंगे इसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले देखिए, मैं प्लानिंग की बात करता हूं कि हमारी प्लानिंग क्या है। तो देखो बच्चों, प्लानिंग की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली जो प्लानिंग है कि आपको क्या क्या प्रोवाइड कराया जाए, भाई पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। देखिए, पढ़ने के लिए जरूरी होते हैं, एक तो पीडीएफ के नोट्स चाहिए, सबसे पहले आपके पास नोट्स होने चाहिए जिनसे आप पढ़ सकें। क्लियर है नहीं? तो नोट्स के बाद अगर मैं बात करूं, पीडीएफ नोट्स के बाद आते हैं असाइनमेंट। अगर टाइम टू टाइम आपको बच्चों असाइनमेंट मिलते रहे तो भी आप आराम से इसे कर सकते हैं, ठीक है नहीं? क्योंकि असाइनमेंट करना जरूरी है। आपने भी जो मैंने न्यूमेरिकल आपको कराया वो तो आपने कर ही लिया, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको असाइनमेंट करना जरूरी है, ठीक है नहीं? तो टाइम टू टाइम आपको असाइनमेंट भी मिलते रहेंगे, पूरे के पूरे नोट्स मिलेंगे, थ्योरिटिकल हो या न्यूमेरिकल हो, सब नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है नहीं? उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा आपको उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे एग्जाम के पर्पज से अगर हम देखें, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगेंगे वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और आपको 1 आवर फॉर डाउट डिस्कशन, ऐसा नहीं है कि आपको भी रिकॉर्डिंग वीडियो ही मिलेगी, वीडियो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो भी आपका डाउट होगा आप जो है वो कमेंट बॉक्स में तो कर ही सकते हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप जो हम बनाएंगे आपका बच्चों का, अलग सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बनेगा इस सब्जेक्ट का, उसमें आप सभी स्टूडेंट्स जो है अपना डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। डेली आपको 1 आवर मिलेगा जिसमें आप डाउट डिस्कशन कर सकते हैं, उसमें जो भी आपके डाउट होंगे वो भी क्लियर कराए जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट? उसके बाद आएगा मॉडल पेपर सेम एज एग्जाम पेपर। अब बच्चों आपको क्या रहता है, देखो स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, पढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि पेपर कैसा आएगा, ठीक है नहीं? तो हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे, और कोशिश रहेगी कि जो मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराया जाए उसी में से लगभग आपका 50% पेपर आ जाए, ठीक है नहीं? इस तरह से मॉडल पेपर हम सेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2 पेपर। कम से कम आपको 2 सब्जेक्ट, जो दो पेपर होंगे आपके जो लास्ट ईयर में जो आए होंगे यूनिवर्सिटी में, उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वीडियो के फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में नहीं, वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड कराएंगे स्टूडेंट, ठीक है नहीं? पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन कराएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स स्टूडेंट्स आपको मिलने वाले हैं, इतने बेनिफिट्स आप अगर ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ेंगे वहां भी नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स, क्लियर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है नहीं? आप अपने घर से डेली ट्यूशन लेने जाएंगे तो कम से कम 20-25 रुपए का तो पेट्रोल फूंक देंगे,
ठीक है नहीं। उसके बाद जो मंथली फीस है वो भी देंगे, और टाइम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अभी एक घंटे का ट्यूशन हो गया, 15 मिनट आने के 15 मिनट जाने के, ठीक है नहीं। तो आपको टाइम भी बचाना है और मनी को भी सेव करना है। उसके लिए स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको पूरी प्लानिंग बताई है। अगर आपको इसमें और कुछ भी लगता है कि इसमें सर ये भी होना चाहिए, तो वो भी आप जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी भी डिमांड्स हैं वो सभी पूरी की जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब प्लानिंग के बाद में बात करता हूँ। देखिए, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप का डिस्कस बताया था आपको कि टेलीग्राम ग्रुप एक बनाया जाएगा, उस टेलीग्राम ग्रुप पर स्टेट से रिलेटेड स्टूडेंट्स ही जुड़ेंगे, ठीक है नहीं। अब टेलीग्राम ग्रुप को ऐड करने के लिए, आप उसमें ऐड होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, एक हेलो का मैसेज भेजना पड़ेगा। किस नंबर पर? आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, देखिए 0639810 1339। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज जैसे ही आप हेलो का मैसेज करेंगे, हेलो में आपको ब्रैकेट में सब्जेक्ट का नेम भी डालना है जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद आपको वहां पर इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, आपको उन्हें फॉलो करना है। देखिए स्टूडेंट, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपको कोई भी प्राइज मनी नहीं देनी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है नहीं। लेकिन जो मैंने आपको प्लानिंग के थ्रू बताया है कि पीडीएफ नोट्स हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, आपके जो है असाइनमेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है, ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। लेकिन इसके लिए हमने एक मिनिमम फीस रखी है, जो है आपकी, देखिए मैं आपको बता दूं, ये है आपकी 99 रुपीज, क्लियर है नहीं। 99 रुपीज से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है नहीं। अब देखिए, कहाँ 2 से 3 हज़ार रुपये आप खर्च करेंगे, कहाँ 99 में आपको पूरा मटेरियल मिल रहा है। आप बुक भी लेने जाएंगे ना स्टेट की, तो वो बुक भी आपको 400-500 रुपये की मिलेगी, समझे ना बच्चों। और उसमें भी आधे सॉल्यूशन मिलेंगे, आधे नहीं मिलेंगे, और थ्योरी बुक की कैसी रहती है आप जानते हैं। यहाँ 99 रुपीज में आपको सारे के सारे नोट्स मिल रहे हैं, पेपर भी मिल रहे हैं, असाइनमेंट भी मिल रहे हैं, पूरा मटेरियल मिल रहा है, ठीक है नहीं। यानी 99 रुपये में आप स्टेट के मास्टर बन जाएंगे, ये समझ लीजिए, ठीक है नहीं। और जो 99 भी खर्च नहीं करना चाहते, वो 79 खर्च कर सकते हैं, 20 रुपये बचा सकते हैं। देखिए 15 अक्टूबर तक अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, अभी 15 अक्टूबर तक अगर ज्वाइन करेंगे, तो 79 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है हमारी प्लानिंग। दूसरी बात जो आपको पे करना है, ये तो आप पे करना ही करना है आपको, ठीक है नहीं। अगर आप नहीं लेना चाहते, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो आपको वीडियो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी ही मिलेंगी, उसमें हम आपसे कोई मनी नहीं लेंगे, ठीक है नहीं। और दूसरी बात यह है बच्चों, जो दूसरी डिमांड है, कुछ आपकी भी डिमांड है, कुछ हमारी भी डिमांड है। हमारी डिमांड आपसे ये भी है कि आप इस चैनल, जो हमारा चैनल है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा कंसर्न स्टूडेंट को शेयर करें। आपको पता है हमारे यहाँ देखिए बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाई जा रही है, दूसरी बात अब एमबीए के लिए, बीबीए के लिए हमने स्टार्ट कर दी है। तो इन सभी स्टूडेंट्स को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा आपसे, डिमांड भी करूंगा, ठीक है नहीं। क्योंकि जब हम आपकी डिमांड पूरी करेंगे, तो आपका भी हक बनता है कुछ डिमांड पूरी करने का। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी प्लानिंग रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करें मैं आपको दिखा दूं, नंबर आपको दिख जाएगा यहाँ पर। इस नंबर के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स एक बात और है, देखिए 15 अक्टूबर तक हम देखेंगे कि भाई कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है। अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेमेस्टर में आप, मुझे पता है ऑपरेशन रिसर्च भी पढ़ेंगे, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप एमबीए में या बीबीए बीकॉम में जितने भी न्यूमेरिकल आपके सब्जेक्ट हैं, वो सब कवर कराने वाले हैं बच्चों। इससे अलावा अगर स्टेट से अलावा भी कोई आपको सब्जेक्ट लगता है जो न्यूमेरिकल हो, ठीक है नहीं, जो आप चाहते हैं कि हम पढ़ाएं, आप कमेंट करके हमें बताएं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर उसके लिए रहेगा, वो भी हम स्टार्ट करेंगे, क्लियर है नहीं। नेक्स्ट सेमेस्टर में ओआर तो पक्का स्टार्ट होगी, ऑपरेशन रिसर्च से भी आप फ्री रहें बिल्कुल। ऑपरेशन रिसर्च बहुत ही अच्छा पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, मतलब मजा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है नहीं। तो उसके लिए भी मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। और इसके बाद बच्चों प्लानिंग के बाद, देखिए मैंने अपनी प्लानिंग बता दी क्या है, अब आपकी भी कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी प्लानिंग जो है और आपकी प्लानिंग थोड़ी अलग है, तो आपके यहाँ कोई डाउट है आपको, ठीक है नहीं, तो वो डाउट भी आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, उसका भी हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपका डाउट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब प्लानिंग के बाद, देखिए प्लानिंग हो गई, सब काम हो गया, अब प्लानिंग के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक हम इसमें आपको कवर कराने वाले। तो देखिए इसमें बच्चों 5 चैप्टर मैंने लिए हैं, 5th यूनिट है आपकी, 5वीं यूनिट से कौन कौन सा आपका टॉपिक आने वाला है। तो यूनिट 1 की अगर मैं बात करूं, यूनिट 1 है स्टूडेंट्स आपकी, देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स,
जो यूनिट वन का पहला टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में जो हम पढ़ने वाले हैं इसका मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, टाइप्स क्या है, फंक्शन क्या है और इसकी लिमिटेशन क्या है, किसकी, स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स के बारे में पूरा ये वाला जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा थ्योरिटिकल है, ठीक है नहीं, क्या मीनिंग है, स्कोप क्या है, लिमिटेशन, टाइप सब इसके अंदर कवर हो जाएगा। इसके बाद जो टॉपिक आएगा ये न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो जाएगा आपका, यहाँ से ये आएगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसमें स्टूडेंट जो आप पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे देखो यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड एंड क्वार्टाइल, ठीक है नहीं, ये आप इसके अंदर कवर करेंगे। ये पूरा का पूरा जो है आपका न्यूमेरिकल टॉपिक है, ठीक है नहीं, इसमें आप जो है न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, ज़्यादा टफ नहीं है। वीडियो को लगातार देखेंगे आप, जब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे तो आप आराम से कवर कर लेंगे। थर्ड जो टॉपिक इसके अंदर आता है वो आता है मेजर ऑफ डिस्प्रेशन, ठीक है नहीं, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। और मेजर ऑफ डिस्पर्सन में देखिए एक तो रेंज आएगा आपका, एक आएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज, एक आएगा मीन डेविएशन, एक आएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस आएगा और कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस आएगा। ये आपका थर्ड टॉपिक में रहेगा। और लास्ट जो टॉपिक आता है इसका वो आता है स्किवनेस एंड कुर्टोसिस। ये सारा का सारा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, मैं आपको बता दूं। पहला जो आपका टॉपिक दिया गया है मीनिंग, स्कोप, टाइप, ये थ्योरिटिकल है, बाकी सब जो है उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको कराए जाएंगे। बहुत ईजी है, ये मान के चले जैसे यूनिट वन है तो यूनिट वन में कम से कम आप आपको 15 लेक्चर में कवर कराएंगे। एक लेक्चर की जो ड्यूरेशन रहेगी वो लगभग 40 मिनट की रहेगी, 40 मिनट की, 30 की, 50 की, इसी रेंज की रहेंगी। और कोशिश करेंगे कि डेली आपको जो है एक एक वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको मेहनत करनी है, कुछ मेहनत हम करेंगे, हम पढ़ाएंगे, आपको पढ़ना है, ठीक है नहीं, मिलजुल कर दोनों जब हम मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो मैं गारंटी देता हूं अगर आप बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ते रहें, पूरा कवर करें, तो 100 में से 100 भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। स्टेट्स में 100 में से 100 आने, क्लियर नहीं, 100 में से 95, 96, 97 तक मैंने बच्चों के मार्क्स देखे, ठीक है। तो ये नहीं है कि 100 में से बस 30 ही लाने हैं, टारगेट बनाओ 100 में से 100 का, तो 100 ही आएंगे। अब यूनिट सेकंड की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, यूनिट सेकंड है आपकी टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर, ठीक है नहीं, इसमें चार टॉपिक रहेंगे आपके। टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर में चार टॉपिक रहेंगे मेन। फर्स्ट रहेगा आपका टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस में जो हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल क्या है और कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज क्या है, ये टाइम सीरीज एनालिटिक्स में आएगा। इसके अंदर कुछ थ्योरिटिकल है, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है आपका। नेक्स्ट है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में देखिए लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये आपका जो है न्यूमेरिकल पोर्शन है। लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन एंड एप्लीकेशन इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, ठीक है नहीं, ये भी आपका कुछ थ्योरिटिकल रहेगा, कुछ न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है नहीं। और थ्योरी और न्यूमेरिकल पूरा कवर कराएंगे बच्चों, ऐसा नहीं कि केवल न्यूमेरिकल ही कराएंगे, बिल्कुल आपको प्रॉपर नोट्स ऐसे बनाकर देंगे कि आपको बुक्स पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब जो थर्ड टॉपिक आएगा आपका वो आएगा इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर में आप पढ़ेंगे मीनिंग क्या है, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है और यूज ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस क्या है, ये भी थ्योरिटिकल और न्यूमेरिकल दोनों का मिक्सअप रहेगा आपका। और लास्ट जो टॉपिक रहेगा इसके अंदर वो रहेगा क्वांटिटी एंड वॉल्यूम इंडिसेस। और इसमें जो आप पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे फिक्स बेस एंड चेन बेस मेथड, दो मेथड होते हैं, वो भी आपको पूरे के पूरे हम कवर कराएंगे। अब चलते हैं बच्चों यूनिट नंबर थर्ड पर। देखिए यूनिट नंबर थर्ड जो है इसकी, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। ये भी आपका बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल आने वाले हैं। तो कोरिलेशन में देखिए दो चैप्टर रहेंगे कोरिलेशन में। कोरिलेशन में आप पढ़ेंगे रैंक मेथड और कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन, दो तीन मेथड हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, इजी है बिल्कुल। उसके बाद आप पढ़ेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिटिंग ऑफ ए रिग्रेशन लाइन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, पहला टॉपिक आपका ये रहेगा। दूसरा टॉपिक आपका रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशियंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। इसके अंदर कुछ आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है, कुछ आपका थ्योरिटिकल, ये मिला जुला पोर्शन आपका रहेगा रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है नहीं। इसके बाद अगर बात करूँ यूनिट फोर की, यूनिट फोर आपकी आती है प्रोबेबिलिटी की, जैसे प्रायिकता जिसे कहते हैं, आपने इंटर में या कहीं ना कहीं प्रायिकता थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल एमबीए के स्टैंडर्ड से शुरू करूंगा। कोई भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे पहले उसका बेस समझाएंगे, बेस क्या है, तब शुरू करेंगे, ठीक है नहीं।
यानी बिल्कुल हमें बेस से शुरू करना है, हम तो ये सोच के चलेंगे कि आपसे प्रोबेबिलिटी आती ही नहीं, ठीक है, नहीं उस हिसाब से मैं शुरू करूंगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर देखिए दो चैप्टर रहेंगे आपके, फर्स्ट रहेगा प्रोबेबिलिटी, इसमें थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन लॉ क्या है और बेस थ्योरम क्या है, ये दो तीन टॉपिक है प्रोबेबिलिटी के अंदर। और जो दूसरा चैप्टर है इसका वो है प्रोबेबिलिटी थ्योरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी जो है प्रोबेबिलिटी का ही टॉपिक है आपका। इसमें जो आप पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल एंड पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है। ये जो यूनिट रहेगी छोटी यूनिट है, ज़्यादा लेंथी यूनिट नहीं है, ये लगभग आपकी 8 से 9 लेक्चर में कवर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं देखिए यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ, यूनिट नंबर 5 में देखिए आपका रहेगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड बिजनेस एनालिटिक्स, ये दोनों टॉपिक इसके अंदर कवर होंगे। सबसे पहले बात करूंगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो आप पढ़ेंगे स्टूडेंट वो पढ़ेंगे नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप वन एंड टाइप सेकंड एरर, दो तरह की एरर रहेगी, टाइप वन टाइप सेकंड दोनों आपको पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद टाइप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कैसे की जाती है वो सिखाई जाएगी आपको। उसके बाद लार्ज सैंपल टेस्ट, स्मॉल सैंपल टेस्ट, ये पढ़ेंगे आप। और इसमें जो टेस्ट आते हैं कौन कौन से आते हैं, देखिए टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट एंड चाइ स्क्वायर टेस्ट, ये सारे के सारे टेस्ट जो होंगे ये आपके कवर कराए जाएंगे। ये सारा न्यूमेरिकल पोर्शन है, टी टेस्ट कैसे होगा, चाइ टेस्ट कैसे होगा, इन सब पर न्यूमेरिकल बच्चों आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। अब मैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स की अगर बात करूँ, इसमें जो आप बच्चों पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले आपका इसके अंदर मीनिंग टाइप एंड एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, ये पहले थ्योरी आ गई इसकी, इसका मीनिंग क्या है, टाइप क्या है, इसके एप्लीकेशन कहाँ यूज होते हैं वो सब बताए जाएंगे। देखिए जो न्यूमेरी आपका जो स्टेट है, मैं आपको स्टेट के बारे में थोड़ा बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ये अप्लाई होता है बच्चों। अब बिजनेस करेंगे कोई भी आप जो है प्रोजेक्ट करेंगे उसमें न्यूमेरिक जो स्टेट सब्जेक्ट है इसका यूज किया जाता है, ठीक है नहीं। तो एप्लीकेशन मीनिंग वगैरह सब इसलिए आपको बताए जाते हैं कि हम इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है नहीं। ऐसा नहीं कि बस मैथमेटिकल पोर्शन है, पढ़ लिया पास हो गए, काम निपट गया, ऐसा नहीं है। आप जब कोई भी बिजनेस करेंगे, किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट आप वहाँ यूज कर सकते हैं। इसके कॉन्सेप्ट अगर आप वहाँ यूज करेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, क्लियर है नहीं, इफिशियंसी इंक्रीज होगी। तो मैथमेटिकल जितने भी आपकी टेस्टिंग है वो सब इसीलिए आपकी जो है पढ़ाई जाती है, जिससे कि आप क्या बने, आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने या सक्सेसफुल एम्प्लॉय बने, ठीक है नहीं। एक मजदूर जो पढ़ा लिखा नहीं है और एक MBA करा हुआ, इन दोनों में यही डिफरेंस होता है कि वो जानता है कि किस कॉन्सेप्ट को कहाँ यूज करना है, क्लियर है नहीं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसी में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूज ऑफ स्प्रेडशीट ऑफ एनालाइज डाटा, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स एंड प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ये सारा का सारा पोर्शन बच्चों आपको कवर कराएंगे। तो 5 यूनिट हैं, पांचों की पांचों यूनिट मैंने आपको बता दी कौन कौन सी कवर करा रहे हैं। अगर आपके पास सिलेबस है आपके कोर्स का, MBA का तो ये है, MBA का तो मुझे पता है, BBA और BCom का सिलेबस आप इससे मैच कर लें। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस इससे कुछ डिफरेंट है तो वो आप हमसे जो टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा उससे भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है उससे भी बात कर सकते हैं, या आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम चैनल के हमारे जुड़ते हैं तो आपके अगर अलग टॉपिक भी होंगे हम आपको वो भी कवर कराएंगे। तो स्टूडेंट देखिए शुरू कर रहे हैं हम, एक जर्नी है एक ये हमारी जो हम शुरू कर रहे हैं, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। अब हम आपका साथ देंगे, आपको हमारा साथ देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जितने भी आपके कॉलेज है जहाँ पर MBA BBA BCom वगैरह चल रहे हैं वहाँ पर आपको हमारे जो चैनल का लिंक है शेयर करना है, ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए 99 रुपीज में पूरा सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहा है, इससे सस्ता मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अब पढ़ाते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।